हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस किचन में, जहां आज हम बनाने वाले हैं ढाबा स्टाइल तड़के वाली चना दाल। आप देख रहे हैं, देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप मेरी टिप्स इस दाल को बनाएंगे तो आप ढाबे पर जाना ही भूल जाएंगे। आप घर में इस दाल को बनाया करेंगे और इसको बड़े शौक से खाया करेंगे। आप एक बार इसको बनाकर ज़रूर देखना, इसका जो स्वाद होता है वो बहुत ही अलग होता है। तो चलिए बनाते हैं आज अपनी तड़के वाली चना दाल को। अपनी ढाबा स्टाइल चना दाल को बनाने के लिए हमने ले लिया है, ये 2 कटोरी दाल ली है मैंने। मैंने अपने परिवार के हिसाब से ली है, आप अपने परिवार के हिसाब से ले सकती है। अब हमें गैस पर कुकर को रख देना है और ये सारी दाल हमें कुकर के अंदर डाल देनी है। इस दाल का टेस्ट सबसे अलग होता है, आप इसको एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करना, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है दाल। अब हमें इसमें डाल देना है पानी। पानी हमें इतना डालना है कि दाल हमारी अच्छे से डूब जाए और आधा आधा इंच पानी ऊपर आ जाए। गैस को ऑन कर देंगे। गैस हमने ऑन कर दिया है। अब हमें डाल देना है इसमें 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, हमें नमक कम ही डालना है अभी, क्योंकि बाद में हमें तड़के में भी नमक चाहिए। इसमें डाल देंगे हम 1/2 छोटा चम्मच हल्दी। अब हमें इसमें डाल देना है 1 चम्मच ऑयल। ऑयल डालने से हमारी जो दाल है एक तो जल्दी गल जाती है, और जब प्रेशर बनता है कुकर में सीटी लगती है तो हमारी दाल बाहर नहीं निकलती। आप इसको एक बार कर जरूर देखें। अब हमें कुकर का ढक्कन बंद कर देना है और इसमें लगभग 4 से 5 विसल आने देना है। जब तक हमारी दाल बन रही है, हम तड़के का सामान तैयार कर लेते हैं। ये हमने 3 मीडियम साइज के टमाटर ले लिए हैं, 4 से 5 हरी मिर्च ले ली है, 1 बड़े साइज का हमने प्याज लिया है और 1 ही लहसुन की कली ले ली है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। अब हमें इनको बारीक बारीक चॉप कर लेना है। दोस्तों एक बात बतानी मैं आपको भूल गई हूँ, चने की दाल मैंने 4 से 5 घंटा पहले भिगोकर रख दी थी, उसके बाद ही उसको मैं बना रही हूँ। आप भी ऐसा ही करें, यदि आप दाल को नहीं भिगोएंगे तो आप उसमें सीटियाँ लगाते रह जाइए, यह दाल नहीं गलेगी, आपको इसको पकाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। चलिए अब हम इनको काट लेते हैं। हमारी दाल में 5 सीटियाँ आ गई हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और हम इसको 5 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। हमें कुकर का प्रेशर रिलीज नहीं करना है, प्रेशर अपने आप ही धीरे धीरे रिलीज हो जाएगा। जब तक हमारी दाल का प्रेशर रिलीज हो रहा है, हम अपनी दाल का तड़का तैयार कर लेते हैं। अपनी दाल में तड़का लगाने के लिए हमने कढ़ाई को गैस पर रख लिया है। अब हम इसमें डाल देना है थोड़ा सा तेल। तेल आप अपने हिसाब से डाल सकती हैं, कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तेल को गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हमें इसमें डाल देना है 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरे को अच्छा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। जीरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा हींग। हींग डालने के बाद अब हमें इसमें डालना है, हमने जो प्याज लिया था हम उस प्याज को डाल देंगे। प्याज के साथ साथ हमने 2 लाल मिर्च ली है, सूखी लाल मिर्च, सबको भी डाल देंगे। प्याज को अच्छे से भून लेंगे। 1-2 मिनट चलाते हुए प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। प्याज डालने के बाद हमने 1 चम्मच अदरक और लहसुन को कूट लिया है, वो भी डाल देंगे। और प्याज और लहसुन अदरक को हम अच्छे से मिलाकर इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे, चलाते रहेंगे धीरे धीरे। दोस्तों ये दाल खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, और हम इसमें ज़्यादा मसालों का भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, बहुत कम मसालों का यूज़ नहीं, इस दाल का स्वाद बहुत ही अच्छा आ जाता है। आप इसको बनाना ज़रूर और बनाकर खाकर देखना इसमें कितना मज़ा आता है दाल में। अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। हमारे प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हमने जो टमाटर काट लिए हैं और हरी मिर्च ली है, उसको भी साथ में डाल देंगे। अच्छे से मिला लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि हमारे जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। हमने इसीलिए दाल में पहले बहुत कम नमक डाला था। अब इनको
दो मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। जब तक हमारा तड़का तैयार हो रहा है, हम अपनी दाल को खोलकर देख लेते हैं। ये देखिए, हमारी दाल अच्छे से गल चुकी है। हमने इसमें 5 सीटी लगाई है और हमारी दाल अच्छे से गल चुकी है, क्योंकि हमने दाल को पहले ही 4-5 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। आप भी जब दाल को बनाएं तो ऐसा ही करें, दाल को पहले भिगोकर रख दें, नहीं तो आपकी दाल जो है वो नहीं गलेगी, आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा इस दाल को बनाने में। 2 मिनट अपने टमाटर को पकाने के बाद हमारे टमाटर मीडियम पक चुके हैं, गल चुके हैं। अब इस टाइम पर हमें डाल देना है इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च। मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ, यदि आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद ना हो तो आप लाल मिर्च को स्किप भी कर सकती हैं। लाल मिर्च के अलावा मैंने इसमें कोई गर्म मसाला या कोई भी खड़ा मसाला नहीं डाला है, सिर्फ 2 लाल मिर्च डाली है सूखी। आप चाहें तो इसमें खड़े मसाले भी डाल सकती हैं, लेकिन जितना सिंपल आप दाल को बनाएंगे ये दाल उतना ही ज़्यादा टेस्ट देने वाली है। हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं, हमारा तड़का तैयार हो चुका है। चलिए अब हम इसमें अपनी दाल को डाल देते हैं। तो धीरे से सारी दाल को हम इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हमें लो कर देना है और दाल को अच्छे से मिला लेना है। हमें दाल थोड़ी गाढ़ी लग रही है, अब हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल देंगे। आप अपने हिसाब से दाल को गाढ़ा या पतला कर सकती हैं, जैसा आप खाना पसंद करें। देखिए, अब हम दाल में थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसको ढककर लगभग 2-3 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेंगे। 2 से 3 मिनट ढककर पकाने के बाद चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमारी दाल बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी अच्छी दाल बनी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको बर्तन में निकाल लेंगे। तो दोस्तों, तैयार है हमारी ढाबा स्टाइल तड़के वाली चना दाल। यकीन मानिए दोस्तों, आपको यह रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना, आपको सच में यह रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दोस्तों, आप इस दाल को रोटी, नान, चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं और इसका मज़ा ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।